हेलो दोस्तों, आज आपके बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मर्स ड्राइव में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कोई शानदार ट्रैक्टर की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में हम इस ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन वगैरह में बात नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करें ट्रैक्टर की पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की तरफ। इस वीडियो में हम ज़्यादा तो जो ध्यान देंगे वो देंगे उसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे कि कंपनी 50 HP ट्रैक्टर के 6-6.5 लाख रुपये ले रही है, तो आपको क्या क्या सुविधाएँ ट्रैक्टर में मिलनी चाहिए, क्या क्या नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इस ट्रैक्टर की, पहले थोड़ी बहुत पावर फिगर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, महिंद्रा का खुद का इंजन है इसके अंदर, और जो कि अपने 50 HP पावर प्रोड्यूस करता है। अब बात करें इस ट्रैक्टर की लुक वाइज की, तो दोस्तों अब महिंद्रा ने इसको अपडेट कर दिया। पहले जैसे 265 लिखा रखा ना वहाँ पैसा आता था, लेकिन अब इसमें अपडेट कर दिया, आपको ये बैजिंग मिलेगी ऊपर क्रोम की। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊँगा आपको कि ये उखरे हुए हैं, खेत में काम करते टाइम ये निकल सकते हैं अपने यहाँ पे, तो बैजिंग की शोक ख़राब हो सकती है। अब दूसरी बात करें इस ट्रैक्टर की नेगेटिव पॉइंट की, इस ट्रैक्टर में आपको नॉन एडजस्टेबल एक्सल मिलेगा। अब इतना प्राइस ले रहा है कंपनी वाले, तो थोड़ा बहुत इसको एडजस्टेबल एक्सल करना चाहिए था। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके अंदर आप घुमावदार एक्सल दे दिया ताकि ट्रैक्टर के टाइम कोई दिक्कत ना हो, पर इसमें एडजस्टेबल एक्सल दे देते तो बात कुछ अलग होती। अब बात करें ट्रैक्टर की फ्रंट से, तो दोस्तों ट्रैक्टर में आपको सिंपल लाइटें मिलेंगी, LED जो सिंपल लाइटें मिल रही हैं, ये लाइटें मिली HUD करेंगे, हैलोजन लाइटें मिलेंगी आपको इसके अंदर। तो कंपनी अगर चाहते थे इसके बाहर की तरफ फार्म ट्रैक की तरह आपको LED वो दे सकती थी, जो कि ट्रैक्टर की लुक को एनहेंस कर देता। और दूसरा, अगर कंपनी चाहती तो साइलेंसर को बाहर कर देती, सिंगल पीस बोनेट बना देती, तो वो भी एक अलग गिफ्ट शो होती पूरी ट्रैक्टर की। पर अभी भी ट्रैक्टर में कोई शो में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ट्रैक्टर दिखने में अच्छा ट्रैक्टर है। और वो ट्रैक्टर, बात करें ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम के, तो दोस्तों इसके अंदर आपको वाटर कूलिंग मिलेगा, जो कि जल्दी से वाटर कूलिंग इंजन जल्दी से गर्म नहीं होते, जो कि अच्छे खासे काम हैं वाटर कूलिंग इंजन महिंद्रा के, अच्छी पावर प्रोड्यूस करेगा। तो पावर प्रोडक्शन में जोर लगाने में कोई ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, फुल जोर लगा ट्रैक्टर अपने, फुल अपना पूरा एनहांस करेगा। बात करें ट्रैक्टर के टायर्स की, तो इसके अंदर आपको कंपनी ने बड़े टायर दे दिए, 7x16 का टायर दिया है इसने आपको, फ्रंट टायर 7x16 का दे दिया। और दूसरी बात, इसके अंदर आपको कंपनी थोड़ा आगे वेट दे देती तो ट्रैक्टर आगे से लिफ्टिंग कम हो जाती, क्योंकि महिंद्रा के आप जानते हैं थोड़ी लिफ्टिंग ज़्यादा आगे फ्रंट से, तो लिफ्टिंग कम हो जाती। अब बात करें इस ट्रैक्टर की स्टेयरिंग की, तो दोस्तों मोस्टली कंपनियाँ क्या करती हैं, सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग देती हैं, पर महिंद्रा का ये बेस्ट पार्ट है इसके अंदर, आपको इसके अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलेगा, जो कि अच्छा खासा काम है। और ट्रैक्टर के अंदर आपको थोड़ी बड़ी बैटरी मिलेगी, ठीक है जो भी है। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको लिफ्टों का पंप अलग मिलेगा, जिसका पॉजिटिव पॉइंट है, और इसका पावर स्टेयरिंग का पंप आपको अलग मिलेगा, जो ट्रैक्टर की बढ़िया बात है। तो और इस ट्रैक्टर में आपको वो ये क्या कहते हैं, इसकी जो करोड़ी मतलब टर्निंग रेडियस है वो ट्रैक्टर का बहुत कम है, तो अच्छा खासा ट्रेनिंग रेडी से। और दूसरा सेक्टर के अंदर आपको छोटा स्टेयरिंग दे देते हैं, और तो भी अच्छा खासा हो जाता है इसके अंदर, आपको एडजस्टेबल सीट तो मिलेगी मिलेगी, वो कोई बात नहीं। और बात करें ट्रैक्टर की एयर फिल्टर की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 3-स्टेज ऑयल बाथ प्री क्लीनर मिलेगा। और पिच वाले टायर की बात करें, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 14 नंबर 28 का और 16 नंबर 28 का ऑप्शन मिलता है। आपको जो सा ट्रैक्टर जो सा मॉडल पसंद हो आप वो ले सकते हो। अब बात करें ट्रैक्टर के डायनोमो की, तो और कंपनियों के जैसे फार्म ट्रैक में कंपेयर करूँ तो फार्म ट्रैक के डायनोमो वगैरह जल्दी बोल जाते हैं, और फार्म ट्रैक हो गए, पावर ट्रैक हो गए, स्कोर्ट के। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको हम बात कर रहे थे इसके डायनोमो की, तो इसके अंदर आपको बड़ा डायनोमो मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको डीजल फिल्टर मिल रहा है। डायनोमो बड़ा मिलने से कारण इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है, बैटरी की जल्दी स्टार्ट हो जाता है ट्रैक्टर, और आगे आपको रेडिएटर मिलेगा, अच्छा रेडिएटर दे रहा है कंपनी। और बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे अभी महिंद्रा कंपटीटर की बात करें, तो फार्म ट्रैक है 60 है, और इसका यूरो पावर ट्रैक का यूरो 60 है, इन सभी में आपको बता दूँ आपको मिलेगा प्लास्टिक का टूल बॉक्स, और इसके अंदर आपको कंपनी अभी लोहे का टूल बॉक्स दे रही है, अच्छी खासी बढ़िया बात है। और इसके अंदर आपको ऑयल ब्रेक मिलेंगे, और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मल्टी स्पीड रिवर्स स्पीड मिलेगी, और वो डबल क्या कहते हैं इसको वाल मिलेगी, ताकि ऑक्सिलरी वाल खेत में आपको इंप्लीमेंट लाने के लिए जो कंप्यूटर गोड़ी होगी उसमें काम आती है। और इसके अंदर एक कमी बताऊँ आपको, इसके अंदर आपको कोई वो नहीं दे रखा अलग शटर उठाने के लिए, और नहीं दे रखा, तो ये थोड़ी ही
लो पॉइंट है इसका, इसके अंदर आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी। और स्ट्रक्चर में आपको खास बताऊँ इसके ऊपर बैठने का, पूरा लंबा चौड़ा पूरा मड गार्ड दिया गया है, और इसके अंदर अगर कंपनी बीच में डंडा दे देती तो भी अच्छा हो जाता। और लाइटें भी इसकी सिंपल सी दी गई हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसकी सीट की, तो इसके अंदर तो अभी ये उसके अभी सीट लगाने रखी, बाकी इसके अंदर आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी। और हाइट एडजस्टेबल सीट इसके अंदर मेरे ख्याल से नहीं है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, पर आगे पीछे एडजस्टेबल सीट मिलेगी इसकी आपको। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, अगर कंपनी आपसे थोड़ा 6-6.5 लाख रुपये ले रही है और अभी भी पुराने डिज़ाइन में गैर दे रही है। अब बाकी आज की कंपनी देखें से कुबोटा हो गया, अब फार्म ट्रक में साइड शिफ्टर में देने लग गया, पावर ट्रैक भी सोनालिका भी सारे पावर साइड शिफ्टर में गैर दे रहे हैं, पर अभी इस महिंद्रा में भी सेंटर शिफ्ट में गैर मिल रहा है। एक छोटा आगे दे दिया इसका बंद बंद करने का भी, मीटर भी थोड़ा एनालॉग डिजिटल करना चाहिए था इसको। तो दोस्तों इस कंपनी की थोड़ी बहुत छोटे मोटे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट थे। अब ट्रैक्टर में पावर की बात करूँ तो ट्रैक्टर पावर लगाने में कोई कमी नहीं है, पावर लगाने सबसे बेस्ट महिंद्रा। महिंद्रा की पावर की बात करें तो महिंद्रा की ट्रॉली में थोड़ा बहुत आगे छूट जाता है, बाकी जैसे कल्टीवेटर और थ्रेसर वगैरह में महिंद्रा का कोई जवाब नहीं है। सबसे कम तेल खाता है और सबसे बढ़िया काम करता है ये। और इसकी सीट में आदमी थकता नहीं, इसकी सीट ऐसे डिजाइन कर रखी है और लगभग थोड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म कर देती कंपनी तो भी अच्छा हो जाता। अब इस कंपनी की बात करें ट्रैक्टर की पॉजिटिव पॉइंट की जो बात करें, इसके अंदर आपको सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट गिनाऊँ तो इसके अंदर आपको घुमावदार एक्सल मिलेगा जो कि टर्निंग रेडियस में आपको हेल्प करता है। डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलेगा जो कि बाकी सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग देती है। और अलग से इसका पावर स्टेयरिंग पंप मिलेगा, लिफ्ट पंप मिलेगा, हाइड्रोलिक पंप मिलेगा जो कि अलग से वो हो जाता है। इसके अंदर जैसे एक और नेगेटिव पॉइंट जैसे सोनालिका हो गया, नो एलेंड हो गया, इनका खुद का अलग से वो है 24/7 केयर है, पर महिंद्रा का कुछ नहीं है ऐसा, तो महिंद्रा को भी सोच कंपनी को सोचना चाहिए था। इसके अंदर दोस्तों अभी ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर हो गया तो इसके अंदर आपको गेयर मिलेंगे, अभी भी लो हाई मिलेंगे बस। अभी कंपनी को इसके अंदर आपको लो हाई मीडियम में गेयर बॉक्स दे देना चाहिए था, 50 HP ट्रैक्टर है और उसमें रीपर में चलता है तो लो स्पीड में ज़्यादा तेल खाएगा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा करने के लिए लो हाई मीडियम में गेयर चाहिए रोटावेटर में सुपर सीडर में, तो इसको एक लो हाई मीडियम वाला चाहिए था। हाँ इसकी मल्टी स्पीड पीटू मिलेगी आपको, हर गियर में अलग अलग स्पीड मिलेंगी। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 1620 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात इस ट्रैक्टर की, सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस ट्रैक्टर की, आपको 6 साल की वारंटी मिलेगी, 6 साल या 6000 घंटे की वारंटी जो कि आज तक कोई कंपनी नहीं दे पाई है। और बात करें बैटरी की, बड़ी बैटरी दी गई है, ब्रेक्स ऐसे ब्रेक्स मिलेंगे आपको। मैं इसको पीछे के साथ दिखा देता हूँ एक बार, इसकी देखो नॉर्मल ट्रैक्टर की लिंक है, नॉर्मल ट्रैक्टर की लिंक है आपको यहाँ तक मिलेंगी, इसकी इतनी लंबी और वो ट्रैक्टर से लंबी लिंक है। और इसके अंदर आपको एक और नेगेटिव पॉइंट, इसके अंदर आपको सिंगल लिंकिंग पॉइंट दे रखा है, इसको कंपनी के दो कम से कम दो देने चाहिए थे, बाकी और कम ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर का इंजन बढ़िया होने से कोई ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है, ट्रैक्टर में फीचर्स होने चाहिए जैसे कंपनी मोटे पैसे ले रही है, तो मेरे को पर्सनली इस ट्रैक्टर में कमी लगती है। और आपको इस ट्रैक्टर में कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट कर बताएं, अच्छा लगती है वो हमें कमेंट कर बताएं। तो दोस्तों मैं आपको इस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवाऊँगा, आप आवाज़ सुन के बताना कैसे लगती है। और इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ट्रैक्टर को न्यूट्रल करें और कल से दबाएँ ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो, तो मैं इस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवाऊँगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको यहाँ पार्किंग का साइन, ये हेडलाइट होने का ऑन होने से इंडिकेटर का साइन यहाँ पर देंगे, बैटरी का साइन, ये फ्यूल का गेज यहाँ पे आपके कितने घंटे करके डिजिटल बताएगा, बाकी सारे आपको एनालॉग मीटर मिलेगा ये। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करें बताएं आपको वीडियो अच्छा पार्ट क्या लगा। अगर आपको ट्रैक्टर में कोई कमी या अच्छा लगती है तो हमें बताएं, अगर हमने कोई वीडियो में गलत बताई तो उसमें कमेंट करके बताएं ताकि वीडियो बात को आगे से ध्यान रखें। तो दोस्तों थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।